आज 5 दिवसीय योग शिविर के 3रे दिन के प्रातःकाल सत्र में हम सभी उपस्थित हैं। घने कोहरे कड़ाके की ठंड है, चारों तरफ ठिठुरन का मौसम है और खेती का भी कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी आप सभी इस सत्र में भाग ले रहे हैं। आप सभी धैर्यवान महापुरुषों को पतंजलि योगपीठ की तरफ से परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वैदिक मंत्रों के द्वारा। सभी सिद्धासन में बैठेंगे, सीधे ध्यान मुद्रा लगा करके, आंखें बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा। हम सांस भरेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, पवित्रता के साथ फिर कुछ मंत्रों का जाप करेंगे। तो आइए सांस भरिए। अब हम लोग गायत्री मंत्रों का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आज हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करके उसका प्रवृत्ति करके और हम लोग आसन के दुनिया में आज हम लोग गोता लगाएंगे, सैर करेंगे। तो आइए सबसे पहले भस्त्रिका, कपालभाति और जो हम कल प्राणायाम बताए थे उसका भी रिपीटेशन करेंगे और आज अनुलोम विलोम एक नए हम प्राणायाम के बारे में आपको बताएंगे। जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको नींद नहीं आती है, मिर्गी की बीमारी, फरका की बीमारी है, उन सारे बीमारियों से दूर करने का जो अनुलोम विलोम होता है प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। तो आइए सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक एक मिनट सब करेंगे ताकि याद हो जाए, ताकि आपको जीवन भर करने में सहूलियत रहे। सीधे बैठेंगे सभी, सांस भरिए छोड़िए। ये भस्त्रिका प्राणायाम चल रहा है, 5 सेकंड में सांस ले रहे हैं, 5 सेकंड में सांस को छोड़ रहे हैं। कोई भी प्राणायाम मध्यम गति से, सामान्य गति से और तीव्र गति से करते हैं। पहले हम धीरे धीरे करते हैं, फिर उसकी गति बढ़ाते हैं और जब हम पारंगत हो जाते हैं, अभ्यास पूर्ण हो जाता है, तो हम तीव्र गति से भी अभ्यास करने लगते हैं। 1 मिनट जरूर करिए। इस अभ्यास को रोकते हैं। इस अभ्यास का क्या नाम है? भस्त्रिका प्राणायाम। समझिए करने का तरीका, सांस लेना छोड़ना है, 5 सेकंड लेंगे, 5 सेकंड में सांस को छोड़ेंगे। बीमारी भी बता चुके हैं आपको, दमा की बीमारी, हाफ की बीमारी, गले की बीमारी, साइनस की बीमारी, नस नाड़ियों की समस्याएं हो, इन सारे समस्याओं से मुक्ति का एकमात्र साधन है भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा है कपालभाति, उसे भी हम करेंगे 2 मिनट। सांस से झटके से बाहर फेंकते हैं, पेट हमारा अंदर जाता है, सांस बाहर निकलता है। आंख बंद कर लीजिए,
ध्यान रखना है कि एक सेकंड में एक बार ही झटका लगाएं, सांस लेना नहीं है, सांसों को बाहर छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना है। अभ्यास करते समय इसकी संकल्प, हे परमात्मा मेरे भीतर के सारे विकार सारे व्याधियां हमसे दूर हो रहे हैं, सावधानी भी याद करना है। कपालभाति करने के पहले सावधानी जरूर याद रखें। मासिक धर्म के दौरान माँ बहनों को नहीं करना है, गर्भावस्था में नहीं करना है, किसी प्रकार का पेट का ऑपरेशन हुआ है तो कपालभाति का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको बांझपन की समस्या है, नपुंसकता की समस्या है, चर्म रोग है, गैस कब्ज है, साइटिका गठिया है, कैंसर है, गिल्टी है, सूजन है, हाथी पाँव है, हार्ट ब्लॉकेज है, हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, इन सारे बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप कपालभाति करें 15 मिनट प्रतिदिन खाली पेट में। फिर अगला अभ्यास हम करते हैं, हम वाही प्राणायाम का जो अभ्यास कल करवाए थे, तीन बंद लगाने वाला। तो सांस भरेंगे, सांस को झटके से बाहर फेंकेंगे, ठुड्डी को सीने में सटाएंगे, पेट को पीठ की तरफ खींचेंगे और मल द्वार को हम शौच के रास्ते को ऊपर की तरफ सिकोड़ करके जितना देर तक आप रोक सकें आप रोकने का प्रयास करें। इससे बवासीर की बीमारी, भगंदर की बीमारी, जिनको पखाना का रास्ता बाहर निकलता है, गुदा भ्रंश कहते हैं, या माँ बहनों को गर्भाशय से बाहर निकलने की समस्याएं हैं, धातु संबंधित समस्याएं हैं, लिकोरिया संबंधित समस्याएं हैं, इन सारे समस्याओं से बचने के लिए आप ये वाही प्राणायाम करेंगे। तो आइए सांस भरिए, बाहर निकालिए, टूटी को गले के पास, पेट को पीठ की तरफ और शौच के रास्ते को मन के द्वारा ऊपर सिकोड़ लें, जैसे गाय भैंस शौच के बाद सिकोड़ती हैं। पूरा मल द्वार को ऊपर खींचिए, धीरे धीरे सांसों को भरते हुए तीनों बंद को समान करते हैं। ये वाह्य प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। ये वाह्य प्राणायाम, इसमें तीन बंद है, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद। करने का तरीका समझ गए आप लोग, सांस लेते हैं, झटके से बाहर फेंकते हैं, ठुड्डी सीने में सटाते हैं, पेट अंदर ले जाते हैं, शौच के रास्ते के ऊपर सिकोड़ करके जितना देर तक आप रोक सकें इसको रोकने का प्रयास करेंगे। कभी भी जिंदगी में आपको बवासीर, कभी भी बकंदर, इन सारी समस्याओं से आप बचे रहिएगा। उसके बाद हम अग्निसार करते हैं, क्रिया है इसमें पेट को हिलाते हैं ऊपर नीचे, सांस भरें, सांसों को बाहर फेंक दें, पेट अंदर खींचिए, शौच के रास्ते को ऊपर सिकोड़िए और पेट को ऊपर नीचे हिलाइए। एक बार और कर लें, ये तीन बार चार बार कर सकते हैं आप। सांस भरिए, छोड़िए, ये गैस के लिए, कब्ज के लिए, जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। ये अग्निसार क्रिया हमारे भीतर की अग्नि को प्रज्वलित कर देती है। फिर अगला अभ्यास हम किए थे वाह्य प्राणायाम, उसके बाद हम किए थे अग्निसार, उसके बाद अब करेंगे उज्जायी प्राणायाम। इसमें हम सामान्य को सामान्य स्थिति में सांस को रखते हैं, ठुड्डी को सीने में सटाते हैं और गड़गड़ाहट जैसा हम आवाज निकालेंगे गले से, सांस भरते हुए नाक से। तो आइए, फिर दाहिने अंगूठे से दाहिना नासिका बंद करके बाएं नासिका से धीरे धीरे प्राणवायु को बाहर करेंगे। ये तीन बार चार बार करना है। ये जब करेंगे तो कभी भी आपको, जिनको थायराइड की बीमारी है तो थायराइड ठीक हो जाता है,
और जिनको टॉन्सिलाइटिस है, जिनको स्वर भंग है, हकला के बोलते हैं, साय साय बोलते हैं और गले में किसी प्रकार की समस्या है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है ये उज्जायी प्राणायाम। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम, बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। इसमें हम दाहिने हाथ को सीधा करेंगे, हथेली को, तर्जनी को मोड़ेंगे और हथेली को अपने मुंह की तरफ घुमा करके ले आएंगे। अब दाहिना जो हमारा हथेली है उसका जो अंगूठा है उसे हम दाहिने नाक पर लगाएंगे। लगाइए, सभी सीधे बैठिए, हाँ सीधे पीठ सीधा करके बैठिए, कोई झुक के नहीं बैठेगा। दाहिना अंगूठा से दाहिना नाक बंद कर दिए, बाएं नाक से धीरे धीरे आप सांस भरिए, सांस अंदर रोकिए और ये बीच की दो अंगुली से बाएं नाक फिर बंद कर लीजिए और दाहिना अंगूठा हटाकर दाहिने नाक से सांस को बाहर करिए, फिर दाहिने नाक से सांस भरिए, फिर दाहिना नाक बंद करिए और बाएं नाक से सांस को छोड़िए, फिर बाएं से भरिए, बायां बंद करिए और दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए, दाहिना बंद करिए और बाएं से छोड़िए। अब हम पूछते हैं आपसे कैसे करना है। दाहिना अंगूठा किस नाक पे लगाएंगे? दाहिने पर। दाहिने नाक पर। सांस किससे भरेंगे? बाएं से। बायां बंद करके किससे छोड़ेंगे? दाहिने से। दाहिने से। फिर किससे भरेंगे? दाहिने। दाहिने से ही। फिर दाहिना बंद करके किससे छोड़ेंगे? बाएं से। जिससे छोड़ेंगे उसी से फिर भरने के दूसरे से छोड़ेंगे। तो एक बार इसको करिए, अभी 5 मिनट, बहुत लाभकारी है। शुरू करिए। बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, सांस को रोकना भी है इसमें उसी समय? नहीं, रोकना नहीं है, छोड़ देना है। ये कंटिन्यू लेना छोड़ना है, वो एक अलग क्रिया होती है, उसमें रेचक पूरा कुंभक वाह कुंभक करवाते हैं, लेकिन ये अनुलोम विलोम में रोकते नहीं है, इसमें लगातार ये चलेगा, एक से लेना दूसरे से छोड़ना। आंख बंद करके और 5 मिनट ये करिए। अनुलोम विलोम इसका नाम है। करने का तरीका हमने आपको अभी बताया। अनुलोम विलोम करने से, अनुलोम विलोम जब करते हैं तो बाएं नासिका और दाहिने नासिका से सांस लेते छोड़ते हैं बारी बारी से। बाएं नासिका को चंद्र स्वर, दाहिने को सूर्य स्वर, चंद्र स्वर बायां शीतल और सूर्य स्वर दाहिना गर्म होता है। और बाएं नासिका का संबंध दिमाग के दाहिने हिस्से से होता है और दाहिने नासिका का संबंध दिमाग के बाएं हिस्से से होता है। और जब दोनों नासिका से बार बार हम इस क्रियाओं को लगातार दोहराते हैं 15 मिनट तक, तो 15 दिनों में ही जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, बिना कोई दवा, बिना कोई पैसा खर्च किए ठीक हो जाता है, बैलेंस कर देता है। जिनको नींद नहीं आती है, जो तनाव और क्रोध में जीते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो व्यभिचार हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो गलत कामों में लिप्त हैं, जो दारू शराब खेने बड़े से नशा लेते हैं, आप उनको ये 15 दिन से लेकर के 3 महीना करवा दीजिएगा तो वो आदमी बदल जाता है। जैसे हम चावल को पानी में डाल के चूल्हा पे रख देते हैं तो पता नहीं चलता अपने आप 15 मिनट के बाद वो चावल भात बन जाता है, उसी प्रकार से जब को व्यक्ति को 15 दिन से लेकर के 3 महीना तक करवाते हैं तो वह व्यक्ति, उसे पता नहीं चलता है कि हम रोगी से निरोगी हो गए, कब हम व्याभिचारी से सदाचारी हो गए, कब हम बलात्कारी से हम अच्छे विचार वाले हो गए। ये आदमी को बदल देता है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। लगातार करिए। हृदय की बीमारी, नस नाड़ियों की, ये रक्त को शुद्धि करता है, ये नस नाड़ियों को भी शुद्धि करता है अनुलोम विलोम, बस लगातार करने की आवश्यकता है। जिनको माथा में दर्द है, जिनको माइग्रेन कपारी की बीमारियां हैं, उनसे बचने का बहुत ही सहज मार्ग है। बड़े वाले को जोड़ बंद हो जाए।